हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको अलाइड बैंक फाइनेंसिंग बाइक के लिए उसकी फाइनेंसिंग बताएंगे कि वो आपको कितने दिन में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, आपको कितनी पेमेंट वो देता है और आपको वो कितने दिन या कितने साल देता है कि आप उसको पेमेंट को वापस करें, आपकी कितनी एज होनी चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए होते हैं, कौन कौन से चाहिए होते हैं, हम आपको इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको अलाइड बैंक फाइनेंसिंग बाइक के लिए उसकी फाइनेंसिंग बताएंगे कि वो आपको कितने दिन में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, आपको कितनी पेमेंट वो देता है और आपको वो कितने दिन या कितने साल देता है कि आप उसको पेमेंट को वापस करें, आपकी कितनी एज होनी चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए होते हैं, कौन कौन से चाहिए होते हैं, हम आपको इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बैंक 1 से 4 साल तक का वक्त देता है कि आप अपनी सारी पेमेंट जो वो आपको दे आप उसे वापस करो। एंड सेकंड, इसमें जो आपको लोन अमाउंट मिलेगी वो होगी 4 लाख तक और 30% आपने उनको अमाउंट देनी है और इसमें कोई हिडन चार्जेस भी नहीं होते। सो अब हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या फॉर्मेलिटीज देता है, कि आपकी शर्तें उसकी क्या होती हैं, कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट नंबर पे आता है कि आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी आपकी होनी चाहिए, आपकी एज 21 इयर्स होनी चाहिए एंड आपके 6 मंथ से या तो अलाइड बैंक या फिर किसी और बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए। जैसे अगर आप जॉब करते हैं इंडिविजुअली तो आपकी एज 59 होनी चाहिए, आप वहाँ पे परमानेंट काम करने होने चाहिए और आपकी लास्ट 6 मंथ की सैलरी आपके अकाउंट में लिखी होनी चाहिए एंड आपकी सैलरी जो होनी चाहिए वो 35,000 तक होनी ही चाहिए। एंड इन्होंने एक और फॉर्मेलिटी दी है जिसमें अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको क्या क्या रिक्वायर करता है ये। सो फर्स्टली वो आपकी एज 64 इयर्स तक होनी चाहिए, आपका खुद का बिजनेस जो हो वो 1 साल तक का होना चाहिए और आपकी आमदन 50,000 तक होनी ही चाहिए। एंड दूसरे पर अगर हम आते हैं तो आपको वो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है। फर्स्टली आपके पास आपका इनकम जो प्रूफ होता है वो होना चाहिए एंड लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। एंड सेकेंडली इधर आपके पास सी एन आई सी एंड स्मार्ट एन आई सी ओ पी की किसी ना किसी की एक ही कॉपी होनी चाहिए एंड आपके पास अपनी 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज की पिक्चर्स भी होनी चाहिए एंड फुल कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए। एंड फ्रेंड सेकेंडली अब लास्ट में आ जाता है कि प्राइसिंग ऑफ अलाइड इलेक्ट्रिक बैंक फाइनेंस। अब इसमें ये क्या करेगा, आप जो इससे फाइनेंस ले लोगे, फिर आप अपनी बाइक ले लोगे तो फिर ये आपसे 1% मार्कअप लेता है उसका, जो कि हर बैंक से जिसमें से भी आप लेते हैं लोन्स वगैरह उसमें से सबसे कम है। एंड व्यूअर्स, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपका इस वीडियो में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें फर्स्ट नंबर पर ये आती है कि अलाइड बैंक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के भरने के कोई फीस नहीं लेता। तो अपनी महाना किस्त बैंक को अदा करेंगे, इंस्टॉलमेंट खत्म होने तक भी आपकी महाना किस्त वही रहेगी। इसमें एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद अलाइड बैंक आपसे आपकी डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस फीस एंड एप्लीकेशन फीस भी ले लेता है। एंड फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको फिर मेक श्योर कर दूँ कि आपको 1 से 4 लाख तक की इसमें फाइनेंस मिलेगा एंड ये इंस्टॉलमेंट प्लान 12 माह से 84 माह तक का होगा। और अगर आप चाहें अपनी इंस्टॉलमेंट फी को आप 1-2 माह में सारा पे करके खत्म भी कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट को। और इसमें आपकी जो आप एप्लीकेशन अलाइड बैंक को देंगे बाइक के लिए वो आपकी 15 डेज में एक्सेप्ट की कर ली जाती है। आप इसमें किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रिक बाइक भी ले सकते हैं। बाइक फाइनेंस का अलाइड बैंक के फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी करीबी बैंक से इसका फॉर्म ले सकते हैं। और थैंक यू व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।